मेकअप में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो आपको फेस को क्लीन करना है। तो फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करके जो है मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। इसको आप ये बहुत ही हाइड्रेटिंग और बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसको फेस पर अप्लाई करूँगी और इसको यूज़ करूँगी फेस पर। बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई करना है जिससे आपका फेस जो है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। आप देख सकते हैं। सो मॉइस्चराइजर को अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे जिससे कि पूरा फेस आपका अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, क्योंकि मॉइस्चराइजर जो है वो मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और बिना मॉइस्चराइजर के मैं तो राय नहीं दूंगी कि आप कोई भी मेकअप अप्लाई करें। मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है। सो अब मैं लेती हूँ ये प्राइमर, स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर है, जेल प्राइमर है, क्योंकि जेल प्राइमर जो होता है वो स्किन को मैट कर देता है। और मेरा ये स्विस ब्यूटी का जो प्राइमर है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी देर तक ये टिका भी रहता है, मतलब मेकअप को काफ़ी देर तक टिकने रखता है ये। एंड ये जेल बेस पे है, तो जब इसको लगाते हो तो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल जेल बेस है तो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और मैट लुक आ जाता है इससे। खासकर समर्स में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सो प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करेंगे और प्राइमर के बाद 2 मिनट तक हमें रुकना होता है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। अब जो मैं ये लेती हूँ 9 to 5 फाउंडेशन क्रीम जो आती है इसकी लैक्मे की, ये मैं इसको लेती हूँ। इसको चाहे तो आप डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं, और या फिर मैं जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको लगा रही हूँ। याद रखिए जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो आपका पहले से ही गीला होना चाहिए। इसको गीला करके अच्छे से इसका पानी निचोड़ दीजिए और फिर इसको अप्लाई करिए, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जब तक गीला नहीं होगा वो आपके स्किन पर मेकअप को अच्छे से स्प्रेड नहीं करेगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर का गीला होना बहुत ज़रूरी है, गीला करके इसको रख लीजिए और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अप्लाई करना है फेस पर। याद रखिए रगड़ना नहीं है इसको। अब मैं ये लैक्मे का लेती हूँ फिर से ये फाउंडेशन, गोल्डन टच फाउंडेशन। इसको मैं फेस पे थोड़ा दूंगी जिससे कि मेरे फेस पे थोड़ा गोल्डन टच आ जाए, बिकॉज मेरी जो साड़ी जो मैं पहनूंगी वो बिल्कुल प्लेन एक ही कलर है, तो इसके साथ मैं थोड़ा गोल्डन टच दूंगी अपने फेस से। एंड येस आई लव गोल्डन कलर, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस पर थोड़ा सा गोल्डन टच आता है। तो इसको आप चीक्स पर या और भी जहाँ चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर इसको चीक्स पर लगाया है। अब इसको आप देख लीजिए मेरा फ़र्क आ गया, थोड़ा सा गोल्डन टच अलग से लगने लगा है काल पे। तो ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं ये लूँगी कंसीलर, जो कि मेरा फेसेस कैनेडा का कंसीलर है ये। एंड ये बहुत अच्छा कलर है, ये थोड़ा सा यू नो जो ब्राउनिश ऑरेंज होता है ये वो वाला कलर है, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट कलर, बट ये बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा टच देता है। एंड इससे मेकअप जो है वो और शाइनी और अच्छा हो जाता है। तो इसको मैं लगा लूँगी अपने पूरे फेस पे, या फिर जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेरा आईज़ हैं उसमें थोड़ा डार्क सर्कल्स है, तो मैं उसमें लगाऊंगी। अब मैं ये ले रही हूँ, मेरा पैलेट है ये आई शेडो पैलेट है, एंड इसी में ब्लशर भी है। तो मैं आई शेडो अपने फेस से अप्लाई करूँगी। मैं कौन कौन सा शेड अप्लाई कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाते चल रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज जो है ये तीज स्पेशल मेकअप है, तो इसमें मैं थोड़ा सा गोल्डन और ग्रीन टच दूंगी। और पहले मैं इसका बेस तैयार कर लेती हूँ। बेस पे आप बिल्कुल गोल्डन या फिर सिल्वर टच दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो वो मैंने लगा लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें गोल्डन कलर लगाया है। अब लाइट गोल्डन कलर में लगाऊंगी इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो बेस है आई का वो तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें दूंगी ग्रीन टच, जो कि मेरी साड़ी से मेरे ब्लाउज से बिल्कुल मैच होगा। और यस तीज स्पेशल में आपको मैं तो कहूँगी ग्रीन ग्रीन ही पूरा मेकअप करिए, वो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोनों आँखों का फ़र्क। अब मैं दूसरी आँख में भी ये लगा लूँगी ग्रीन, और ये बहुत प्यारा, मुझे अभी से ही ये बहुत प्यारा लग रहा है।
एंड यस, इसका लुक अलग ही आ रहा है। वैसे मैचिंग का आई शेडो वगैरह लगाने से जो लुक आता है वो अलग ही लुक आता है। थोड़ा सा कॉर्नर पे मैं डार्क शेड दे दूंगी जिससे कि थोड़ा स्मोकी लुक आ जाए मेरी आईज़ में। अब मैं जो है ये ब्लशर लेती हूँ। ब्लशर जो है ये मेरे मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है, क्योंकि ब्लशर जो है मुझे बहुत पसंद है। वो जो एप्पल, कश्मीरी एप्पल वाले चीक्स हो जाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ब्लशर तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको ब्लशर नहीं पसंद है तो आप ना लगाइए, उसके बिना भी आप ये मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं तो कहूंगी कि ब्लशर आप लगाइए, उससे अलग लुक आता है। एंड थोड़ा सा ये जो शाइनर होता है इसको मैं टच दूंगी, जिससे कि जो लाइट का इफेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली वो चेहरे पे लगना चाहिए। अब मैं जो है आईब्रोज़ को अपनी करूँगी, आईब्रो पेंसिल से मैं आईब्रोज़ को कर लूँगी। एंड इसको फिर मैं सेट कर लूँगी अच्छे से, जिससे कि इसका जो आईब्रोज़ पेंसिल का कलर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, मेरी जो आईब्रोज़ है वो अच्छे से निखर के आ जाए। क्योंकि मेकअप में अगर आईब्रोज़ आप नहीं करेंगे तो बहुत ही डल डल सा लगता है, तो आईब्रोज़ बहुत ज़रूरी होता है। बट हाँ, बहुत लाइट सा यूज़ करिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि डार्क यूज़ करिए। अगर आपके आईब्रोज़ ऑलरेडी हैं अच्छी खासी तो आप ना लगाइए। अब आपने सो यस, मेरा लाइनर कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी बिंदी की। तो बिंदी ऑब्वियसली मैचिंग की ही लगाएंगे। अगर आप चाहें तो रेड बिंदी भी लगा सकते हैं, रेड भी बहुत अच्छा लुक देगी। वैसे तो मैंने यहाँ पे ग्रीन लगाया है, और आप चाहें तो रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिंदी भी काफ़ी निकल के आ रही है। एंड यस, मैंने लिपस्टिक लगा लिया है ग्रीन पे, या आप चाहें तो न्यू शेड लगा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे रेड कलर प्रेफर किया है, बिकॉज थोड़ा डार्क शेड जब आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, ग्रीन पे मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है। हालांकि आप सिंदूर लगाना है तो सिंदूर जो आगे का आप डिज़ाइन मेरे में देख रहे हैं, ये डिज़ाइन आप चाहे तो लिक्विड सिंदूर से दे सकते हैं, और फिर उसको याद आप सूखा सिंदूर भर सकते हैं। मैं तो सूखा सिंदूर ही प्रेफर करती हूँ, मैं सूखा सिंदूर ही भरती हूँ। एंड ये सिंदूर लग गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप चाहे तो पूरी मांग भर सकते हैं, मैंने थोड़ा आगे का भरा है, ज़्यादा नहीं भरा है। और ये बहुत ही प्यारा सा नेकलेस मैंने इसमें कैरी किया है, जो ब्लू और ग्रीन और वाइट के स्टोन में है। एंड यस, नथ मैंने पहन ली है। तीज की पूजा होनी है, तीज का है त्यौहार, तो फिर नथ और सेट ज्वेलरी तो बनता ही बनता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने नथ पहन लिया है। और अब चूड़ियाँ आ गई, पूरा मैंने मैचिंग कर लिया है। आप आगे जो वाइट कड़े देख रहे हैं, वाइट कड़े मुझे बहुत पसंद है तो मैंने हाथ में डाल लिए हैं। अब आप देख सकते हैं पूरा लुक तैयार हो गया है। मैंने ये साड़ी पहन ली है। साड़ी जो आप देख रहे हैं इसकी लिंक मैं डाल दूंगी, मैंने कहाँ से ख़रीदी। वैसे तो ये लखनऊ के स्टोर से मैंने ख़रीदी है। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की मैं आईडी डाल दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।